जो अभी सीएचओ रिजल्ट की रिगार्डिंग आपकी जो मीटिंग हुई है उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, सीएचओ का एग्जाम 19 फरवरी को हुआ था और आज एग्जाम को पिछले 8 महीने हो चुके हैं और ना तो कोई इसका रिजल्ट आया है ना कोई इसका समाधान हुआ है। ये छात्र एकता हमेशा गुहार लगाने के लिए यहाँ आते हैं और इनको भेज दिया जाता है। लगभग 8 महीने के अंदर ये कम से कम नहीं तो 10 से 15 बार यहाँ आ गए। इनको हमेशा आश्वासन देकर भेज दिया जाता है कि 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। अभी मैं खुद वार्ता में जाकर आया था, सचिव साहब से मिला था, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है और हम 15 दिन का टाइम हम मांगते हैं। अगर 15 दिन से अगर ऊपर हुए तो ये छात्र आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा और आगे की कार्रवाई देख लेना। नहीं, जैसे कि अभी आचार संहिता भी लगने वाली है तो उस हिसाब से 15 दिन का टाइम मांगा है उन्होंने कि 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट जारी कर देंगे। हमें सही की बात बोलते हैं, आपका प्रोसेस चल रहा है और कम से कम हम इनके पास जून से आ रहे हैं, हमेशा ये बात बोलते हैं रिजल्ट आएगा आएगा, प्रोसेस चल रहा है, जनहित आपके छात्रहित में काम होगा। कब होगा ये? आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद क्या काम कर लेंगे ये? मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूँ कि आपका बेटा इस तरह से दर दर की ठोकरें खाता था, उनको अच्छा लगता क्या? प्रसादी लाल मीणा जी, मैं आपके बच्चे के लिए कहना चाहता हूँ, आपका बेटा कमल जी वो इसे दर दर की ठोकरें खाता जब आपको अच्छा लगता? आप इतने बड़े बड़े पद पर हैं, हम आपके बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, घर परिवार को छोड़ छाड़ के हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई पैसे हमारे पास फालतू के हैं नहीं है, तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? पहले नर्सिंग विभाग में कोई एग्जाम से वैकेंसी आती नहीं है, सारी वैकेंसी संविदा पे होती है, अनुभव वाले लग जाते हैं। सीएचओ की बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आई है एग्जाम के थ्रू, उसके वो भी अटका के रख रखा है 8-8 महीने हो गए। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, 15 दिन का टाइम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रिजल्ट चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए और आज के आज चाहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सीएचओ रिजल्ट हम जारी करो, सीएचओ रिजल्ट जारी करो, जारी करो। ये मेडिकल रीजन क्या रहा है कि लेट रिजल्ट जो जारी करने की बात कर रहे हैं, कि इसका क्या कारण बताया? इसके अंदर ये पेपर लीक का मेन रीजन बताया है, लेकिन मेन चीज ये है कि मेडिकल फील्ड में जो नर्सिंग है, नर्सिंग के अंदर कोई भी डायरेक्ट वैकेंसी आई नहीं है और फिर बाद में अभी क्या कर रखा है कि जो भी ये सुविधा पे ले लेते हैं 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये ये सैलरी देते हैं, 5 साल तक रखते हैं, फिर उनको परमानेंट करते हैं। एक बात बताओ कि भाई नर्सिंग करते हैं उसमें कम से कम नहीं तो 5 लाख रुपये का खर्चा होता है नर्सिंग करने के बाद में, फिर उसके बाद में उनको उतना आउटपुट मिल ही नहीं पाता है और फिर बाद में घर भी नहीं चला पाते थे। एक बात बताओ कि ये रिजल्टों को और रोक देते हैं, तो रिजल्ट रोकने से क्या होता है कि कोई भी अपने जो सभी लोग हैं वो मतलब कि ऐसे भटकते घूम रहे हैं, तो इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करके और वो करें। तो कई महीनों से राजस्थान नर्सेज संयुक्त समिति भी धरना पे बैठी है, अभी भी गेट नंबर 3 पे बैठी है एसएमएस हॉस्पिटल में, उन्होंने आंदोलन भी कर रखा है अभी। तो आंदोलन कर रखा है लेकिन इनका रिजल्ट कोई भी क्लियर नहीं आ रहा है, जैसे सरकार पता नहीं किस मूड में है और कोई भी मतलब शांतिपूर्ण बढ़िया कोई भी डिसीजन लेके और स्टूडेंट के मतलब भविष्य के लिए बढ़िया कोई काम नहीं कर रही है सरकार। जल्दी जल्दी रिजल्ट जारी करें और फिर बाद में जो निवारण हो चुके हैं, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। कहते हैं कि यहाँ धरना देने के लिए बेरोजगार है नर्सिंग वाले, सभी लोग कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, वो लोग वहाँ से टाइम निकाल के यहाँ नहीं आ पाते हैं। हम लोग हैं बच्चों को छोड़ के बार बार यहाँ पे धरना नहीं दे सकते हैं। घर वाले एक ही चीज़ पूछते हैं कि जाते हो तो उसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि घर वाले लड़कियाँ कोई नहीं आती है निकल के घर से बाहर। आती हूँ मैं बच्चों को छोड़ के बार बार यहाँ आती हूँ क्योंकि मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, नहीं मेरे पास कोई काम करने वाला है। ये क्या पता अगली बार मेरा जॉब बैठे कि नहीं बैठे, इस बार मेरा अच्छा नंबर आया अगली बार आए कि नहीं आए। 3 महीने तैयारी किया, 4 महीने किया, अब वो टाइम नहीं रहा, दोबारा एग्जाम करवाए तो उसके लिए भी तैयारी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करे। हम लोग कंटिन्यू धरना करेंगे, यही रहेगा कि क्योंकि ये चाहते हैं कि ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हो, तो हम लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। आज तक हमारी कोई वैकेंसी क्लियर नहीं होती है, 2018 की वैकेंसी है, 16 की है, सब कहीं ना कहीं अटकी पड़ी रहती है, इसीलिए कोई नहीं आते। 2013 की भी अटकी पड़ी हुई है, इसीलिए लोग या तो हॉस्पिटल के अंदर धरना करेंगे, ऐसा ही कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो लोग छोड़ के नहीं आ सकते। मेरे कई साथी है जो हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मैं भी करती थी। कहाँ से लगा रहे हैं, ऐसे अटका के रखेंगे तो कहाँ से लगेगी नौकरी है? ऐसे तो घर वाले भी परमिशन नहीं देते पढ़ने की, इससे तो अच्छा है कि हम खेती कर लें, उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे हम लोग है? ये सोच के मैंने 3 साल इधर गुजारे और सीधा घर चली गई, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। एक छोटे से बच्चों का क्या भविष्य होता है, इनका बच्चों का भविष्य खराब हो तो इनको पता चले। हर इंसान के पास आदमी नहीं होते हैं, दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा? इनको
वोट देने वाले भी ही जनता ही होती है, जनता के ही बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो ये इनका सीधा सीधा असर इनकी वोट पे आएगा। मेरा शुभ नाम निर्मा है। हम चाहते हैं हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द, ये 15 दिन बोले, 15-10 दिन के अंदर अंदर ये कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो ये बोल दिए इन्होंने कि आप जो करना चाहे कर सकते हैं, तो हम यहाँ घेराव करें कुछ भी करें हम करेंगे।